So we are out here. So by the way, H&M में कुछ खरीदने नहीं आई हूँ, मैं एक्सचेंज करने आई हूँ. जो ड्रेस मैंने ली थी, इट वॉज स्मॉल एंड मुझे बहुत लूज था. आई एम वेरी हैप्पी दैट इट वॉज लूज. घर में कितनी सारी चीजें. Oops. And this guy is so chilled out. क्या लग रही हो नंदू, सबका बंधू. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. तो दोपहर हो गई है, इट्स 3:33. ओके, एंजल्स आर विद मी. ओह एक्चुअली इट राइम, 3:33, एंजल्स आर विद मी. एनीवे, सो मेरी हालत तो देख ही रहे हो. मैंने दो तीन बार यहाँ से ऐसे निकाले थे, मुझे लगा मैं थोड़ी प्यारी लगूंगी, बट इट्स नॉट वर्किंग. एनीवे, आज हालत ही कुछ ऐसी है कि सुबह से काम वाली दीदी नहीं आई है. थैंक गॉड खाना बनाने वाली दीदी आई थी, तो मैंने खाना खा लिया है. एंड सुबह से मैं एडिट कर रही थी यूट्यूब के लिए, इंस्टा के लिए. बहुत काम होता है ये सब, यू नो, एडिट करना, वीडियोज़ ढूंढना पुराने. कितनी सारी पुरानी वीडियोज हैं मैं जो अभी तक डाली ही नहीं थी, तो आज मैंने अपने संगीत की परफॉर्मेंस डाली है यूट्यूब पे भी और इंस्टा पे भी. सो आई होप आप लोगों को पसंद आए. तो बस आई गिव फूड टू कैप्टन. मैंने भी खाना खाया एंड मैंने एक आइसक्रीम भी खाई है, मैंगो बार खाई है, दैट टू ऑल्सो शुगर फ्री. ओके, सो अब मैं क्या करने वाली हूँ, अब मैं झाड़ू लगाने वाली हूँ. झाड़ू लगाने के बाद मैं क्या करूँगी, मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि आई हैव अ डॉग इन द हाउस. नॉट डॉग माय बेबी, सॉरी, आई हैव कैप्टन इन द हाउस. सो उसकी वजह से मुझे घर एकदम साफ रखना होगी चाहिए, बिकॉज ही लिक्स एवरीवेयर. अभी गंदा होगा तो इधर उधर चाटेगा, तो इट्स नॉट गुड फॉर हिम. और वैसे मुझे गंदा घर पसंद नहीं है, आप लोगों को तो पता ही है. तो बस मैं अभी झाड़ू लगाऊंगी, फिर पोछा लगाऊंगी, फिर मैं खुद नहाऊंगी. मेरी एक मीटिंग भी थी, बट वो मीटिंग मेरी इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मॉम जो है उनको साइटिका की प्रॉब्लम है एंड वो हॉस्पिटल गए हैं चिराग की मॉम के साथ. तो फिर अभी चिराग की मॉम के साथ हॉस्पिटल गए हैं, तो शी वॉज सपोज टू कम बैक बाई 1:32, बट वो अभी नहीं आ पाए हैं क्योंकि उनको वो करवाना था MRI करवाना था. सो MRI करवाना है, करवाने गए हैं, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा. इसमें ट्राई कर रही हूँ कि उनके आने से पहले पहले घर एकदम सफ़ा चट कर दूँ. मैं सफ़ा चट कर दूँ, मतलब सफ़ा चट मतलब तो खत्म कर देना. एनीवे गाइस, आई थिंक टेंशन बहुत है घर साफ करने की, झाड़ू पोछा करने की, तो मैं अपना काम पे लगती हूँ. बाय. तो मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क है झाड़ू लगाने का. तो ये है हमारा झाड़ू. झाड़ू लगाने का सबसे बड़ा टास्क ये है कि दिस मंथ थिंग्स, ये खेलने की चीज है, पर ये खेलने की चीज नहीं है गाइस, झाड़ू लगाने की चीज है. इसको समझ में क्यों नहीं आती है, झाड़ू लगा दे रहा मुझे. लुक एट दिस, आई थिंक इसको मुझे रूम में बंद करना पड़ेगा और फिर झाड़ू लगाना पड़ेगा. लेट मी डू एवरीथिंग टुडे, डोंट डिस्टर्ब मी. सो फर्स्ट आई एम गोना मेक द बेड. क्या लग रही हो नाइस नंदू, सबका अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो, बहुत बुरे लग रहे हो. तौबा, थारा मूड खराब कर दिया. So, yes, bed बनाना पहले. आप मेरे हिसाब से मुंबई नहीं आ सकते. बाय द वे गाइस, दिस इज स्नेक प्लांट, जो कि आपके बेडरूम में रखना बहुत अच्छा होता है. सो अभी कुछ दिनों से मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, थोड़ी एंजाइटी हो रही थी, तो मैंने ये स्नेक प्लांट अपने बेड के साइड पर रखा एंड आई थिंक इट्स वर्किंग, आई एम स्लीपिंग, सो इट्स नाइस. आप रखिए अपने भी घर पे, एंड जब भी ज्यादा एंजाइटी हो तो डार्क चॉकलेट खा लीजिए, ठीक हो जाओगे. एक्चुअली दीदी ने कहा था कि वो आएंगी, पर थोड़ा लेट आएंगी, फिर बोलते कि दीदी मैं नहीं आ रही क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है. अब किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो फिर ऑब्वियसली यू कांट फोर्स दैट, इट्स ओके, समटाइम्स खुद भी करना चाहिए. एंड
आई लव हीरा मंडी गाइस, पता नहीं कुछ लोगों को क्यों नहीं पसंद आई बट आई लव इट। मतलब मुझे हर किसी की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट जो उसमें आलमजेब थी मुझे उसकी भी एक्टिंग अच्छी लगी यार। मतलब इन द सेंस कि उसका कैरेक्टर ही वैसा था। मतलब वो कुछ लोग होते हैं जो कम बोलते हैं, धीमा बोलते हैं, आई थिंक हर कैरेक्टर वॉज लाइक दैट। हाँ, एक दो सीन से मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बेटर हो सकता था, बट इट्स ओके, आई लव्ड इट। बाय द वे गाइस, बेड बन चुका है एज यू कैन सी। नाउ आई एम गोना डू द झाड़ू। व्हेन ही इज विद मी आई लिटरली हैव टू डू द झाड़ू लाइक दिस। I'm gonna lock you inside this. Bye. गाइस मुझे पसीने आ गए हैं ऑलरेडी एंड कैप्टन इज बार्किंग अ लॉट। आई थिंक जैसे वीडियो शुरू होता है ये चुप हो जाता है। कैन यू सी माय पसीना गाइस, कितनी मेहनत कर रही हूँ मैं। व्हाट कैप्टन, व्हाट मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया। इट्स टू स्कैरी। आई एम रियली स्कैर्ड। मॉम बाहर है अभी। इट्स रियली स्कैरी एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी स्कैर्ड। घर में कितनी सारी चीज़ें। ओप्स घर में बहुत सारी चीज़ें टूट गई हैं लिटरली। देखो मैंने झाड़ू मारा था अभी, ये सब अंदर आ गया एंड ही इज़ रियली स्कैर्ड। ओ गॉड, लुक एट दिस सी, माय गॉड एंड दिस गाय इज सो चिल्ड आउट। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो ये जो तूफान आया था वाज सो स्केयर ऑफ इट। आई जस्ट शोड यू द व्यू राइट नाउ, इट इज सो ब्यूटीफुल एंड इससे एक्चुअली ये पता चलता है कि लाइफ में चाहे कितना भी मुश्किल वक्त आए, चाहे कितने भी तूफान आए आपकी लाइफ में, एक टाइम के बाद सब सही हो जाता है। एंड एक टाइम के बाद ऐसा टाइम आता है कि जो बहुत ही सुंदर होता है, बहुत प्यारा होता है, जस्ट लाइक दिस। सो या माई लाइफ इज़ ऑल्सो गुड ओनली, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जो सही होने वाली हैं। आई विश, आई प्रे वो सब ठीक हो जाए एंड आई हैव फेथ इन गॉड। गाइस जो मैंने इतने प्यार से झाड़ू लगाया था उसमें मिट्टी पड़ गई, तो जाने में कहीं मिट्टी पै गई मेहनत पे। ये देखो कितनी सारी मिट्टी लगी है। छोड़ दे मेरी चप्पल। So guys, I'm doing something different. आज पहली बारिश है और पहली बारिश में नहाने जा रही हूँ, वो भी कैप्टन के साथ। मैंने टॉवल ले लिया so that you know पानी में ठंड नहीं लगे। If he doesn't feel if he doesn't feel comfortable, he can just come back. Bath in the rain. Hi. Oh, it was so much fun. बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, friends. It was so nice. Oh, it was needed actually. So, people say the rains, you know, heals you. And my baby and I, we are healed now. It was so nice. Yeah, he's feeling a little cold. It's okay. Mama got you. So, and also first rain तो special होती है. So yeah, it was nice. तो ये है बाहर का व्यू, हल्की हल्की बारिश हो रही है और अगर आप देख सकते हैं ये शिवानी और लिनेश है। आंधी हो, तूफान हो, धूप हो, चाहे कुछ भी हो, ये दोनों वॉक करना नहीं छोड़ते। Hats off to you guys. Hats off to you guys. Finally, मम्मा घर पे आ गए हैं। मौसम भी देखिए शांत हो गया है
और मम्मा का मन था चाय पीने का, समोसा खाने का मन था मम्मा का, तो मम्मा एक समोसा कटक चुकी हैं ऑलरेडी, बस बस हो गई मम्मा की। चलो थोड़ा सा समोसा, आधा समोसा मैं भी खा लेती हूँ। एनीवे गाइस, चाय पी रही हूँ, मज़ा लेती हूँ चाय का, बहुत अच्छा मौसम है। At this guys, look at the moon, look at this view, $1 million view. And mom and मैं नीचे आए हैं walk करने के लिए, एक एक समोसा खा के समोसा को हजम करने के लिए हम लोग नीचे walk करने आए हैं। So yes, थोड़ी देर वॉक करके फिर हम लोग ऊपर चले जाएंगे। There are so many cats out there. I've got this food for the cats. तो मैं उनको खिलाने जा रही हूँ। Mom is already out. So yes, let's feed the cats. दोपहर के कितने बज रहे हैं? 3 बज रहे हैं। And I was out for a meeting. Actually 1 बजे की meeting थी, but मुझे थोड़ा late हो गया क्योंकि आज फिर हमारी काम वाली दीदी नहीं आई है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो थोड़ा बहुत मम्मा की हेल्प करवाई मैंने घर पे, एंड उसके बाद जल्दी से नहा के तैयार होकर निकली। बाय द वे, दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग टुडे, आई गॉट दिस फ्रॉम लाइफस्टाइल आई गेस, मम्मा ने लेके दिया मुझे। मॉम रियली लाइक्ड इट, मॉम वाज लाइक कि तेरे पे बहुत सूट करेगा, सो शी वाज गुड एक्चुअली सूटिंग मी। तो फिर उसके बाद अब मैं जा रही हूँ एक और फ्रेंड को मिलने, उस फ्रेंड को मिलने जा रही हूँ जिसने मुझे पूरे मुंबई में, मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे सिर्फ बालाजी पता था प्रोडक्शन हाउस, उसने मुझे सारे प्रोडक्शन हाउसेस के नंबर दिए, उसने सबको बोला कि यू नो देयर इज़ वन गर्ल कृष्णा मुखर्जी, उसको ऑडिशन के लिए बुलाओ, सो आई एम गोइंग टू मीट हिम। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कौन है। एंड आफ्टर दैट आई एम मीटिंग शिरीन फॉर लंच। सो यस, बहुत ज़्यादा भूख लगी है बट आई एम जस्ट कंट्रोलिंग, खाना उसके साथ ही खाऊंगी कि बोला है तो। हाय गाइस, सो दिस इज़ माय फ्रेंड समर प्रताप जिसने मुझे ब्रेक दिया था और ये मुर्गियाँ मुंबई में पता नहीं कहाँ से घूम रही हैं। सो हाउ आर यू फीलिंग मुझे मिलके इतने दिनों बाद, बहुत अच्छा मिल। एम आई लुकिंग ओल्ड और समथिंग? प्लीज जोर से बोलना पड़ेगा, सुनाई नहीं देगा। यू लुक लाइक अ किड बट या नाउ आई एम बिकम मैच्योर, राइट? Guys are there? Hi Shireen. Hi Chinu. मेरा रह गया, मेरी ओपनिंग रह गई। Shireen जब से आई है फोन में बिजी है। And I'm just saying. कुछ बिजी नहीं हूँ। She's getting a lot of calls these days, you know. That's why she's bugging people like that. So we are out here. So मैंने चिपोटली टहिनी संबोल मंगाया है। एक्चुअली मुझे टहिनी का टेस्ट बहुत होता है, स्पाइसी है, टोफू है उसमें, प्रोटीन है, सब कुछ है। वैसे हाँ इसको एलर्जी है, सो शी हैज ऑर्डर्स चिकन सीज़र सैलेड। सो यस गाइस, हम लोग बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं एक ही शहर में, लेकिन हमारा टाइम नहीं मिलता है मिलने के लिए। वी आर लाइक बिजी, यू आर एक्चुअली वेरी बिजी, बट मैं कहीं बिजी नहीं हूँ। मुझे जैसमिन भी बोलते मैसेज करके बोलते हैं कहाँ गायब है तू, आई वाज जस्ट इन माय शो। Shireen is going to try apple cider vinegar, try na, it's very nice and tangy. Zabardasti dawa mila, dawa nahi, ha it's a dawa only, probiotic. Please it's not that bad, it's very bad. Acha hai pet ke liye. Tumne kya mangwaya? Some spicy ginger something. Is wo ye purana phool rakha hai lo Krishna hi tumhare liye aaye. मेकअप क्लासेस ज्वाइन किए हैं, ये इसके पेज पर रिवील हो चुका है, अब नहीं अभी तक मैंने नहीं बोला था। कोई बात नहीं, ओके आई गॉट अ न्यू इंस्टाग्राम पेज एज वेल, अगर आप लोग साइन कर सको मुझे तो कर लेना। मुझे ना
मैंने किसी को नहीं बताया, अगर किसी को मिल जाए तो प्लीज मुझे फॉलो बैक करिए। आई टेल यू गाइस, आई टेल यू। सो यस, और इनके पेज का नाम हसीन नहीं है, शिरीन है। हाँ प्लीज कंफ्यूज मत होना, हसीन नहीं है, शिरीन मिर्जा ही है। स्ट्रेंज, दिस इज H&M गाइस, वी डू नॉट लाइक यू। So, by the way, मैं H&M में कुछ खरीदने नहीं आई हूँ, मैं एक्सचेंज करने आई हूँ। जो ड्रेस मैंने ली थी इट वॉज स्मॉल एंड मुझे बहुत लूज था एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट इट वॉज लूज। सो नाउ अंधेरे में मैं कुछ और ढूंढ रही हूँ। क्यों इतना कि तुम वो हो गए, कॉन्शियस हो गए? मैं क्या करूँ यार, मेरी दीदी आ भी नहीं है। क्या खा रही है ये लड़की? सैंडविच खा रही है और साथ में कॉफी पी रही हूँ। वो खत्म नहीं होते हैं और मेरी कमर बहुत दुख रही है। I'm gonna get my chance. तुम जल्दी करो, घर चलते हैं। घर पे सांभर राइस बना है। तुमने क्यों खाया सांभर राइस? बने हैं घर पे बहुत 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 ज़्यादा। कैप्टन